जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एशिया के ज्योतिपुंज महात्मा गौतम बुद्ध और उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म, उनके द्वारा स्थापित धर्म बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारतीय है। अब भारतीय है इसलिए अपना नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि अपने महापुरुषों को समझिए, उनको जानिए, उनके बताए गए मार्ग पर चलिए। देखिए, भारत कभी विश्वगुरु भी था, आज भी भारत विश्वगुरु बनने की पूरी पोटेंशियलिटी रखता है, लेकिन कैसे होगा ये सब काम, इसके लिए तो आपको हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। हिस्ट्री आपको एक शिक्षा देता है, हिस्ट्री आपको बताता है कि कैसे हमारे महापुरुषों ने क्या किया था कि वो इतने महान कहलाए और इतने मानवता की उन्होंने सेवा की, और उनको पूरा विश्व सम्मान देता है। और अगर हमें अभी भी सम्मान मिलता है एक भारतीय होने के नाम पे, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है जो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध के कारण ही भारत विश्वगुरु था। गौतम बुद्ध का योगदान साइंस के विषय में भी है और उनका योगदान मानविकी के विषय में ही है। बहुत सारे साइंस के सिद्धांत और बहुत सारे मानविकी के सिद्धांत गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं आए हुए हैं, गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं वो लिया हुआ है उनके कोई ना कोई विचारों को, कोई ना कोई अवधारणा को, कोई ना कोई सिद्धांतों को। तो चलिए, गौतम बुद्ध को तो हम समझेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज से लगभग 2500-2600 साल पहले की बात है, जब हमारे देश के पवित्र भूमि पे गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं। देखिए, उनका जन्म कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला है, वहाँ पे है कपिल वस्तु, वहाँ पे एक जगह है पिपरहवा, वहीं पे उनका जन्म हुआ। उसके बगल में है एक लुम्बिनी वन कहा जाता है, वहाँ पे तराई वाला एरिया पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के बारे में तो डिटेल से हम बात करेंगे ही, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कारण था कि गौतम बुद्ध को एक नए धर्म लेकर के, एक सिद्धांत लेकर के लोगों के बीच में आना पड़ा। लोगों को व्यवहारिक ज्ञान बताते थे उस समय के दुनिया के बारे में, जितना अच्छे तरीके से वो देख लेते थे चीज़ों को, उतना माइक्रो लेवल पर और उतने अच्छे से देखने वाला उस समय कोई नहीं था। कहा जाता है कि उस समय महावीर भी थे, महावीर भी चला रहे थे, महावीर भी महापुरुष थे। उस समय चीन में भी कन्फ्यूशियस नाम का व्यक्ति, या ईरान में जरथुस्ट नाम का व्यक्ति, या यूनान में पाइथागोरस नाम का व्यक्ति भी धार्मिक आंदोलन कर रहा था। ये एक महत्व स्वभाव की संयोग की बात है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के कई जगह पे धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। गौतम बुद्ध ने तो क्रांतिकारी बदलाव ला दिया पूरे विश्व में। उन्होंने जो कहा कि ईश्वर पे ज़्यादा विश्वास उनका नहीं था, ईश्वर होते नहीं है, ना आत्मा होती है, यह एक ऐसा विचार था जो क्रांति ही पैदा कर दिया। क्योंकि उस समय अधिकांश लोग ये मान के चलते थे कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ भी होता है और जो है ना आत्मा भी कोई ना कोई चीज़ होता है जिसको वो नकार देते हैं। तो ये तो एक क्रांतिकारी चीज़ था, एक क्रांतिकारी बदलाव था, एक क्रांतिकारी समझिए कि सिद्धांत था, और उसने पूरे विश्व में हलचल मचा दिया। और उसका परिणाम ये रहा कि बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में फैला। आप देखेंगे कि जापान से लेकर के आप देखेंगे कोरिया है, आप देखेंगे कि श्रीलंका है, वर्मा है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, इन सभी जगहों पर आज भी जो बौद्ध धर्म है वो डोमिनेंस है, वहाँ पे ज़्यादा अधिक फॉलोअर्स बौद्ध धर्म के। हालाँकि भारत में से इसकी शुरुआत हुई थी, भारत की ही देन है बौद्ध धर्म, लेकिन भारत के अंदर में ये बहुत ही कम मात्रा में बचा, बहुत ही कम लोग इसके फॉलोअर्स रहे, ये दुनिया के दूसरे जगह पे चला गया। ये तो समझ लीजिए कि हमारे देश में कुछ महापुरुष पैदा हुए, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग, जिसके कारण बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और आज भी दुनिया में अगर शांति फैलाना हो और दुनिया को एक मानविकी का पाठ पढ़ाना हो, तो आपको बुद्ध के शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश में जाते हैं तो वो दूसरे महापुरुषों के नाम लेने से बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं और कहते हैं हम बुद्ध के धरती से आए हैं, है ना, ये एक मजबूरी भी है उनकी। खैर, सिद्धांतों को कितना कौन फॉलो करता है ये तो एक चर्चा की डिबेटेबल बात है, ये एक विवाद की बात है। हम ये देखते हैं कि भारत में आखिरकार बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या था। देखिए, जिस समय बौद्ध धर्म उत्पत्ति हो रहा था उस समय वैदिक धर्म चल रहा था, उसको ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था का बहुत ही अहम समझिए कि भूमिका थी, और वर्ण व्यवस्था को कोई तोड़ दे तो उसको कठोर सजा मिलती थी, और वर्ण व्यवस्था से
को कोई तोड़ ही नहीं सकता था, इतना कठोर बनाया गया था। तो उस समय क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने उसको तोड़ने के लिए आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बताया कि सब जीव जंतु ये सब जो होते हैं ना, ये समान होते हैं, इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, मानव हो के मानव के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, कर्तव्य सबका बराबर होना चाहिए। इसीलिए तो इन्होंने बौद्ध धर्म जब चलाया तो कहा कि चाहे तुम किसी भी वर्ण के हो, बिना किसी भेदभाव के तुम हमारे बौद्ध धर्म में आ सकते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, हमारे धर्म में सबका स्वागत है। तो एक समानता का पाठ पढ़ाया इन्होंने, एक मानवता का पाठ पढ़ाया गौतम बुद्ध ने। साथ ही साथ कहा कि तुम ईश्वर को क्यों ढूंढते हो, तुम आत्मा पे क्यों चर्चा करते हो, तुमको तर्कशील बनना चाहिए, तो अनावश्यक बातों में उलझन करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें उलझो मत, अपने जीवन को कैसे तुम सुखमय बना सकते हो इस पे बात करो, कैसे मानवता का कल्याण होगा, कैसे विश्व का कल्याण होगा इस पे बात करो। तो महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो सिर्फ भारत के महापुरुष नहीं बल्कि पूरे दुनिया के महापुरुष है, पूरे दुनिया को सुंदर बनाने के लिए वो काम कर रहे थे। तो देखिए उस समय वर्ण व्यवस्था चल रही थी, किस समय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके प्रतिक्रिया में भारत के उत्तर वाला क्षेत्र में, यानी कि गंगा के मैदान वाला एरिया में, खास करके मध्य गंगा और निचली गंगा के मैदान वाला एरिया में अलग अलग धार्मिक संप्रदाय पैदा हुए, जिसमें से 62 मेन थे, जिसमें सबसे मेन था बौद्ध और जैन, यानी कि बुद्ध और महावीर जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो बदलाव ला रहे थे। तो उस समय वर्ण व्यवस्था के प्रतिक्रिया, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया, क्षत्रियो को दूसरे नंबर पे, वैश्य को तीसरा नंबर पे, शूद्र को सबसे नीचे दर्जे पे रखा गया, जबकि सबसे अधिक संख्या अगर किसी की थी तो शूद्रों की संख्या थी। अगर आप ऐसे देखेंगे तो शूद्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या सबसे कम थी। ब्राह्मण उनको बोला जाता था जो कि शिक्षण का काम करते थे, अध्यापन का काम करते थे, भिक्षावृत्ति भी करते थे, पूजा पाठ करा करके अपना जीवन चला रहे थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे, वो साहित्य की रचना करते थे, किताबें वगैरह भी लिखते थे, फिलोसोफर भी थे इनमें बहुत सारे लोग। और उसके बाद क्षत्रिय का स्थान था, क्षत्रिय जो है वह मुख्यतः सैनिक सेवा करते थे, राजा वगैरह बनते थे, राजकुमार वगैरह कहलाते थे और रक्षा करने का काम इनका था। उसके बाद वैश्य थे, वैश्य मुख्यतः व्यापारी थे, यानी कि जो ट्रेड का काम करते थे और जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है वह काम वैश्य करते थे, लेकिन वैश्य को तीसरा नंबर पर रखा गया था, इनका अधिकार भी तीसरा था, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से तीसरा नंबर पे था, बहुत सारे कर्मकांड ये नहीं कर सकते थे जो ये लोग करते थे। साथ ही साथ शूद्र, अब शूद्र को तो एकदम सबसे नीचे रखा गया था, सबसे कम अधिकार उसको मिला था, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्रों को दिया गया था, और सबसे अधिक संख्या अगर किसी की थी तो वो शूद्रों की थी। तो शूद्रों में तो नाराजगी थी ही, वैश्यों में भी नाराजगी थी इसको लेकर के, साथ ही साथ क्षत्रियों में भी नाराजगी थी। क्षत्रियों को लगता था कि अरे भैया हम देश को चलाते हैं, हम रक्षा करने का काम करते हैं, हम खून बहाते हैं अपना, तो हम श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा अंदर ही अंदर एक भाव पैदा होता था, विद्रोह पैदा हो रहा था कि हमको भी ब्राह्मण के बराबरी का दर्जा दो। कई मामले में तो ये कहते थे कि हम ब्राह्मण से भी ऊपर हैं। इसीलिए आंदोलन में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन वर्ण आगे आया तो मेन था ये क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण ही आंदोलन में सबसे आगे आया था। एक्चुअली गौतम बुद्ध और महावीर को भी क्षत्रिय कहा जाता है ऐसे एक परंपरा के अनुसार, हालांकि बहुत लोग इस पे आपत्ति कर देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स में, जिसको आपको भी फॉलो करना है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें स्पष्टतः बताया गया कि ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण के थे, और जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था उसमें क्षत्रिय ही मुख्य भूमिका में थे, चाहे महावीर हो चाहे गौतम बुद्ध हो। तो गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ दिखाई देंगे आपको, एक क्रांतिकारी आपको दिखाई देंगे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी है गौतम बुद्ध, आध्यात्मिक क्रांतिकारी भी है और भौतिक क्रांतिकारी भी है गौतम बुद्ध, मानवता के भी अग्रदूत है गौतम बुद्ध। तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी। पहले वर्ण व्यवस्था जब चलाया गया था ऋग्वेदिक काल में, उस समय जो जैसा कर्म करेगा, यानी कर्म के आधार पर था, जो जैसा काम करेगा वैसा वर्ण में हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया, एकदम इसको कठोर बना दिया गया, कहा कि चाहे तुम किसी तरह का काम करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा जन्म जिस वर्ण में हो जाएगा तुमको उसी में रहना होगा। तो ये तो गड़बड़ है, ब्राह्मण लोगों को कुछ विशेष अधिकार भी मिला हुआ था, इनको कम मिला हुआ था, साथ ही साथ अगर कोई गलती कर दे, कोई अपराध कर दे सेम नेचर का,
अगर ब्राह्मण भी वही गलती कर रहे हैं, ब्राह्मण भी उसी तरह का अपराध किया हो, शूद्र ने भी उसी तरह का अपराध किया हो, शूद्रों को ज़्यादा सजा मिलती थी ब्राह्मण की अपेक्षा। तो ऐसे जो विशेष अधिकार मिले हुए थे जिसके कारण बाकी के तीनों वर्ण में बहुत नाराजगी थी, उसके प्रतिक्रिया में ये सारे धर्म पैदा हो गए थे। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, कृषि में आविष्कार हो रहा था। कृषि के लिए क्या चाहिए, उसमें आपको उस वक्त बैल से खेती होता था, उस वक्त जानवरों को उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। उस समय जानवर की बलि देने की प्रथा काफ़ी अधिक थी। उस समय बलि देने के कारण जो है ना कृषि कार्य करने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा बलि दे देंगे तो उसकी संख्या घट जाएगी, डिमांड उसका ज़्यादा है, संख्या घट जाएगा तो फिर उसका प्राइस भी तो बढ़ जाएगा ना, तो इससे तो घाटा लग जाएगा। तो खेती किसानी को कहीं ना कहीं पे इससे नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ जो नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पैदा हुई, उस समय लोहा का आविष्कार होने से काफ़ी अधिक मात्रा में अन्न उपजाए जाने लगे, अन्न ज़्यादा उपजाए जाने लगे, जिसके कारण किसान से भी किसान तो जितना खाते थे उतना तो रखते ही थे, साथ ही साथ किसान जो है ना इतना ज़्यादा सरप्लस उत्पादन कर रहे थे जिस पे राजा या सैनिक या फिलोसफर या ब्राह्मण वर्ण या क्षत्रिय ये लोग भी उस अन्न को खा करके अपना जीवन चला सकते थे। यानी कि अब कृषि में जो क्रांति पैदा हुई उसका प्रभाव ये पड़ा कि नए नए शहरों का विकास होने लग गया, नए नए आइडियोलॉजी आने लगे, नए नए सिद्धांतों का जन्म होना शुरू होता है और नई नई समस्याएं भी पैदा होना शुरू होती है, तो उसके समाधान के लिए महापुरुष भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए उसी तरह से आप देखेंगे कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। सिक्कों का प्रचलन मतलब है कि बहुत ज़्यादा व्यापार में उन्नति हो रहा है, व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा तो वैश्यों का वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि वैश्य लोग जो है व्यापार कर रहे थे, पैसा कौड़ी इनके पास आ रहा है तो इनका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन हो क्या रहा था कि वैश्य नाराज इसलिए थे क्योंकि पशु बलि की प्रथा चल रही थी जिससे वैश्यों को भी दिक्कत हो रहा था। साथ ही साथ वैश्य लोग कर्जा लेते थे, सूद लेते थे, देने का काम करते थे। जो पैसे वाले बन गए थे वैसे लोग, उनको कहीं ना कहीं कर्जा लगाना रहता था, और जो कर्जा लगाते थे कहीं सूद लेते थे तो उसको बहुत ही निचला दर्जा का माना जाता था, उसको सूदखोर कहा जाता था। उसको एक तरह से समझिए कि समाज में बहुत ही निचले दर्जे का घटिया इंसान समझा जाता था, जिसको लेकर के भी वैश्यों में बहुत नाराजगी थी। साथ ही साथ समुद्र में यात्रा करना भी गैरकानूनी, मतलब वो पाप की श्रेणी में रख दिया गया था, जिसको लेकर के भी वैश्य लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो इसके लिए इनकी भी प्रतिक्रिया हो रही थी कि किसी तरह के कोई ऐसा समाधान निकाल ले जिसको हम सपोर्ट करें। तो उसमें इनको मिल गया आंदोलन जो चला रहे थे क्षत्रिय लोग, खास करके गौतम बुद्ध जैसे लोग, इनको इन्होंने जम करके सपोर्ट किया और वैश्य लोगों ने खूब इनकी मदद की, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म फला फूला। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्वतंत्र विचारधारा का युग भी था वो, मतलब कहने का है कि वर्ल्ड में कई जगह पे इसी तरह की विचारधाराएं चल रही थी। तो आप इसको समझे होंगे, अब आप समझिए अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है उसको आप समझिए। देखिए गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु में एक जगह है पिपरहवा, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में पड़ता है आजकल। वहाँ उनका एक जीर्ण शीर्ण महल भी पड़ा हुआ है, पुरातात्विक अवशेष, तो यही सिद्ध करता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के पिपरहवा में हुआ था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसी के निकट में नेपाल की तराई में लुम्बिनी है, लुम्बिनी जगह जिसको आजकल रुम्बिन देवी भी कहा जाता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके माता जी जिनका नाम माया देवी है, वो अपने मायके जा रही थी और उसी क्रम में रास्ते में ही एक जंगल पड़ता है, एक वन था जिसको कहा जाता था लुम्बिनी वन, वहीं पे उनका प्रसव पीरा हुआ और वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तो उनका जन्म तो बेसिकली लुम्बिनी के रुम्बिनदेही में ही होता है, जो नेपाल की तराई में है। इनके पिताजी उनका नाम था सुद्धोधन, वो एक्चुअली कपिल वस्तु के गणतांत्रिक कुल के प्रधान थे। यानी कि उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी चल रही थी, राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी चल रहा था। तो एक गणतंत्र था कपिल वस्तु में, उसके प्रधान थे सुद्धोधन, यानी कि इनके पिताजी भी अच्छा खासा हैसियत के व्यक्ति थे। ये राजा है और राजा के पुत्र है ये, फिर भी अपने जीवन को ये त्याग करके सन्यासी ग्रहण कर लेते हैं मानवता के कल्याण के लिए। ये चाहते तो राजा बनकर के अपनी जिंदगी चला सकते थे, अपनी सुखमय जिंदगी चला सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी सुख को त्याग करके मानव के कल्याण के लिए वह गृह को त्याग देते हैं, सांसारिक मोह माया को त्याग करके, और वह तपस्या करते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, और उस ज्ञान के
ऐसे पूरे विश्व को आलोकित कर देते हैं। आप देखेंगे उनके माता जी माया देवी, माया देवी कोसल राजवंश की कन्या थी, यानी कि ये लोग उच्च कुल के यानी क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और इनको काफ़ी सुविधाएं थी अपनी जिंदगी को सुखमय जीवन जीने के लिए, काफ़ी सुविधाएं इनके पास ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको त्याग दिया था। और आप देखेंगे इनके पत्नी का नाम यशोधरा है, यशोधरा भी कहीं ना कहीं पे किसी न किसी राजा की या रानी की किसी न किसी राजा के वंशज ही हैं यशोधरा भी। तो आप देखेंगे उनका पुत्र राहुल होता है, राहुल जो है जब पैदा होता है तो गौतम बुद्ध को लगता है कि ये जो राहुल है हमारे मार्ग का बाधा है, इसीलिए इनका नाम रख देता है राहुल, राहुल माने मार्ग की बाधा। लेकिन फिर भी मार्ग की बाधा उनका कोई नहीं बन पाता है, वो अंततः गृह को त्याग ही देते हैं। उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर को त्यागते हैं, साथ ही साथ जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा तो उसको बोलेंगे संबोधि, और जब प्रथम प्रवचन देंगे सारनाथ में तब तो उसको कहा जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहा जाएगा महापरिनिर्वाण। तो उसको तो हम लोग देखेंगे, देखिए जब वो घर से निकलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। एक्चुअली वो अपने जीवन में चार चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या देखते हैं वो देखते हैं, एक बार वृद्ध आदमी को, वृद्ध आदमी जिसका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बाल पके हुए हैं, दांत गिरा हुआ है, बेचारा तलमला तलमला के चल रहा है, वो बीढ़ो एकदम वृद्ध है, तो उनको देख करके वो विचलित हो जाते हैं। साथ ही साथ जब दोबारा फिर से घर से निकलते हैं और बगीचा में टहल रहे होते हैं, उस समय फिर एक व्यक्ति को देखते हैं जो रोगी है। रोगी तो ऐसा है कि उसका जीर्ण शीर्ण शरीर जो है, उसका पेट निकला हुआ है, शरीर एकदम कृशकाय बन गया है ना, अपने से चल भी नहीं पा रहा है, बेचारा रोगी है, तो उसको कोई ना कोई एक आदमी सहारा दे करके चला रहा है, उसकी भी हालत देख करके ये काफ़ी विचलित हो जाते हैं। साथ ही साथ तीसरा बार जब घर से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अरे एक मृतक को देखते हैं, लाश को देखते हैं, जिसके पीछे लोग रोते हुए आगे जा रहे हैं, उस लाश के पीछे कुछ कोई है जो अपना बाल को नोच रहा है, कोई जो है बाप बाप चिल्ला रहा है, कलेजा पीट रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों को देख करके उनका मन विचलित हो जाता है। उसके बाद वो सन्यासी को देखते हैं, जो सन्यासी देखते हैं उसको देख करके वो खुश हो जाते हैं, सन्यासी काफ़ी खुश है, सन्यासी अपने जीवन में काफ़ी खुश है, उसको मोह माया त्याग चुका है वो, और उसके बाद वह सन्यासी बना हुआ है, तो इनको देख करके इनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो इनके अंदर में भी आता है कि हमें भी सन्यासी बन ही जाना चाहिए। उसके बाद यह गृह त्याग देते हैं, महाभिनिष्क्रमण हो जाता है। उसके बाद यह बोधगया चले जाते हैं, गया में आजकल गया कहा जाता है, बोधगया चले जाते हैं, वहाँ एक निरंजना नदी बहती है, उसी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे वो बैठ करके तपस्या करना शुरू कर देते हैं। और कहा जाता है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब वो उनकी आयु 35 साल की हो जाती है, वैशाख पूर्णिमा होता है, उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं है कि वो गुरु के पास नहीं जाते, वो दो गुरु के पास जाते हैं, एक गुरु है उनका नाम है अलार कलाम, उनके पास जाते हैं और उनसे सांख्य दर्शन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अलार कलाम उनके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये फिर राजगीर चले जाते हैं। राजगीर में एक और गुरु मिलता है, उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र से फिर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वह भी शिक्षा जो है इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने खुद ही स्वयं ही तपस्या करने की सोची और वो स्वयं तपस्या करने लगे, और ऐसा हुआ कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई तभी उनको बुद्ध कहा गया, बोधित्व की प्राप्ति हो गई उनके अंदर में, बुद्ध यानी बुद्धि कौशल का विकास हो गया, तब वह महात्मा बन गए, और अब वह सिर्फ बचपन का नाम उनका था सिद्धार्थ, और सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे बल्कि वह महात्मा बुद्ध बन गए। तो महात्मा बुद्ध बन गए, उन्हीं को तथागत भी कहा जाता है। तथागत माने होता है वस्तु को एकदम वास्तविक रूप में देख लेना, यानी जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखना तथागत कहलाता है। दुनिया में सबसे कठिन काम यही होता है कि जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखना, इसको अनवरत अभ्यास से और बहुत अधिक मात्रा में ध्यान करने से ही आपके अंदर में वो डेवलप होता है, विपस्सना करने से वो पैदा होता है, और वह आसान चीज़ नहीं है, काफ़ी कठिन चीज़ है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, तभी जा करके आप तथागत की तरह वस्तुओं को वास्तविक रूप से देखने वाले एक महापुरुष बन पाएंगे। उन्हीं को मैत्रेय भी कहा जाता है, उन्हीं को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शाक्य कुल के थे और वह उस कुल में मुनि बन गए थे,
बहुत बड़े विद्वान बन गए थे, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए थे, इसीलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जब प्रथम प्रवचन देते हैं पांच व्यक्तियों को, कहा जाता है कि पांचों व्यक्ति ब्राह्मण था, तो उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। साथ ही साथ आप ये समझिए कि आनंद नाम का एक व्यक्ति उनका प्रिय शिष्य है और उन्हीं को संबोधित करके बुद्ध प्रायः प्रवचन दिया करते थे। साथ ही साथ महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिला और पहली महिला जो थी, जो संघ में गई थी, भिक्षुणी बनी थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो उन्हीं की मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। साथ ही साथ महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चुंद के द्वारा दिया गया खीर खाने से उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, देवरिया जिला में पड़ता है वो। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेषों को 8 भागों में अलग अलग बांट करके उन पे 8 स्तूप बनाए जाते हैं। बाद में तो बहुत सारे स्तूप बनाए जाएंगे, बहुत सारे राजा भी इनके फॉलोअर्स होते हैं। साथ ही साथ ये 40 साल तक अपने जीवन में उपदेश देते हैं, सिर्फ वर्षा का काल होता है जहाँ पे वो आराम करते हैं, बाकी समय वो उपदेश देते हैं। और ऐसे भी लंबे चौड़े थे, स्वस्थ थे, तो इसके कारण वो काफ़ी लंबी दूरियाँ तय करते थे। लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरियाँ वह तय करते थे एक दिन में, और उसके बाद वह उपदेश भी देते थे। साथ ही सर्वाधिक उपदेश वो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में उन्होंने दिया था। उनका सिद्धांत क्या है, देखिए उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य क्या है, उन्होंने बताया कि देखिए दुख है, दुख का कारण होता है, दुख समुदाय होता है और उसका निवारण का भी उपाय होता है। यानी संसार दुखों से भरा हुआ है, आप उस दुख से बच नहीं सकते, दुख तो आपको आके जकड़ेगा ही, लेकिन उससे बचने का भी उपाय है, उसको दूर करने का भी उपाय है। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया कि दुख तो है, वो तो है ही, वो तो सत्य है, लेकिन उसको दूर करने का भी उपाय है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूर करने का क्या मार्ग है, उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग अपना लीजिए तो आप जो दुख है उससे आप बच पाएंगे। क्या क्या अष्टांगिक मार्ग में है, कहा कि एकदम राइट वे में देखना चाहिए, यानी कि राइट दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि एकदम अपने लक्ष्य की तरफ रखिए, आप अपने तर्कवादी बनिए और दृष्टि को एकदम साफ रखिए। साथ ही साथ संकल्प, एकदम संकल्प लेना है क्या, एकदम अच्छा संकल्प लेना है, अच्छे कर्म करने के लिए लेना है, धम्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लीजिए और देखिए आपके जीवन सुखमय होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ वाक, यानी कि सही दिशा में चलना है, सही काम करना है, कर्मांत, सही आजीविका का पालन करना है, ये नहीं कि चोरी डकैती वाला, तब तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको वो नहीं, व्यायाम भी करना है, अपने शरीर को निरोग रखने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। आजकल लोग व्यायाम नहीं करते, बहुत सारे बीमारियां बढ़ रही है, बीपी का हो, हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ वगैरह, ये सब तो व्यायाम भी करना है। सही स्मृति, अच्छे चीज़ों को ध्यान लगाना है, गलत चीज़ों को स्मृति में नहीं रखना है, उसको त्याग देना है। समाधि अच्छा लगाना है। तो इन्होंने यही बताया कि आप अगर राइट वे में चलेंगे, राइट वे में ये सारे कामों को करेंगे तो आप दुख से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण माने लक्ष्य है। निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। कहा जाता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि एक जैसे मृत्यु कहते हैं ना, मृत्यु, गौतम बुद्ध जो है वह बोलते थे निर्वाण। निर्वाण और मृत्यु में थोड़ा सा अंतर है। निर्वाण है कि एकदम आप सुखी पूर्वक मरते हैं, सांसारिक तृष्णाओं को त्याग करके मरते हैं, है ना, आपके अंदर में लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, है ना, आप कुछ अच्छा करके मर रहे हैं, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो अब देखिए उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्त करना है उसके लिए और आसान तरीका है, 10 सील को अपना लीजिए। 10 सील क्या होता है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसक होना है, पशु बलि नहीं देना है, मारना नहीं है किसी को। हिंसा बहुत प्रकार की हो सकती है, मानसिक हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा होती है, किसी को मारना पीटना, गाली गलौज करना, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, अगर किसी के बारे में गलत सोचते भी है तो भी मानसिक हिंसा आता है। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया और आपको लगता है, आप सोचते हैं कि अच्छा बढ़िया होता है कि जो है ना रोड पर एक्सीडेंट कर जाता, तो ये प्रकार का भी हिंसा है। ठीक है आप प्रकट नहीं करते हैं लेकिन दिमाग में सोच तो रहे ना, वो भी हिंसा है, तो मानसिक हिंसा है। इन्होंने बताया कि वो भी नहीं करना है। सत्य बोलना है, सदा सत्य बोलिए। सत्य बोलने से ही आप समस्याओं से बचे रहेंगे, क्योंकि झूठ जो होते हैं उसके पांव नहीं होते हैं और झूठ कभी ना कभी जरूर पकड़ी जाती है। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सत्य से वो हारती जरूर है।
तो कहते हैं कि सत्य बोलो अस्त्य, यानी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी चमारी तो अच्छी बात नहीं है। उस समय गौतम बुद्ध के काल में निश्चित रूप से चोरी चकारी हो जाया करती होगी, तो चोरी करना एक बहुत ही बड़ा अपराध और एक पाप माना गया, तो चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, बहुत अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए कि दूसरे को दूसरे का रिसोर्स की कमी हो जाए, यानी कि धन का संचय नहीं करना है। और ये जो आपने देखा ना अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ये सब भिक्षुओं को तो एकदम जो है इसको फॉलो ही करना था, लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्त्य यह भिक्षुओं को तो करना ही था, और जो गैर भिक्षु होते थे उनको भी इसको फॉलो करना था, लेकिन जो 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 सार्वजनिक जीवन में थे, जो भिक्षु नहीं थे, वो धन का संचय कर सकते थे, उसके लिए वो था कि वो कर सकते थे। साथ ही साथ स्त्रियों से दूर रहना है, दुराचार, दुराचार यानी गलत कामों से दूर रहना है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ब्रह्मचारी तो रहना ही चाहिए। इसलिए बोला गया कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, दुराचार गलत कामों से दूर रहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, जब मन तब खा लिए, जब कचर बचर कर रहे हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। एक मेडिकल साइंस का भी नियम है कि सही समय से ही सारे कामों को करना चाहिए, गलत टाइमिंग होगा तो स्वास्थ्य पर उसका गलत असर पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने जो खुशबूदार चीज़ें होती है जिसको सेंट, इससे भी दूर रहा, दूर रहने की बात है कि एकदम ये नहीं कि मार लीजिए पूरा और दूसरे को भी प्रॉब्लम खड़ा कर दीजिए, बहुत अधिक मात्रा में मारने से क्या होता है, दूसरे लोग को एलर्जी होता है सेंट से, तो वो नहीं। आभूषण, बहुत अधिक मात्रा में आभूषण नहीं लाद लेना है, इससे आपका लोभ और आपके अंदर का जो जो एक होता है ना तृष्णा, वो बढ़ते चला जाता है, इसलिए आभूषणों को भी त्याग दीजिए। बुद्ध धर्म में तीन रत्न है, त्रिरत्न जिसको कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आपने सुना होगा, अब कभी गया में गए होंगे तो वहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, एक वाक्य वहाँ पे लगातार इसका जाप किया जाता है, इस सेंटेंस का। तो ये जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम शरणम गच्छामि जो है ना, यह एक प्रकार का आदर्श वाक्य है और इसी को त्रिरत्न कहा गया है। साथ ही साथ जो महात्मा बुद्ध थे वो स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में अपना भाषण हमेशा पाली भाषा में देते थे, जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाती थी और लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। लोग तो दीवाना बन जाते थे इनके स्पीच को सुन करके, और इनका फॉलोअर्स धराधर लगातार बढ़ते जा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ईश्वर कुछ होता होता नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व में इनका विश्वास नहीं था। वो बताया कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति के द्वारा रचित है, ये प्रकृति ही सारा काम करती है। इसीलिए उनके दिए गए वचन को, उनके दिए गए जो स्पीच है उनको सिद्धांत कहा जाता है। वो एक्चुअली एक प्रकार का थ्योरी था, प्रकृति का सिद्धांत है वो वास्तविक चीज़ों को बताए थे, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद भी आया। उस समय जो समस्याएं थी उसको भी उन्होंने सोल्व करने की कोशिश की थी, जैसे अहिंसा। कहने की मतलब यह है कि जो छोटे छोटे राज्य जो आपस में लड़ लेते थे, हिंसा होता है वहाँ, बहुत सारे लोगों की की मृत्यु हो जाती है उसके कारण, युद्ध में हमेशा नुकसान ही होता है, तो अहिंसक रहेंगे तो कम से कम युद्ध नहीं करेंगे और इससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तो एक अच्छी बात है। उसी तरह से आप देखेंगे आत्मा में भी विश्वास नहीं है, यानी कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं, आत्मा कुछ नहीं होता। ऐसे भी मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, आत्मा कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर और आत्मा कुछ नहीं है, सब हमारे मस्तिष्क के अंदर होते हैं। ऐसे भी बहुत बड़े राइटर हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि ईश्वर और ये सब जो आत्मा है ना, एक्चुअली ये सब इमेजिनेशन है मनुष्य का कल्पना है ये सब, और इसका अस्तित्व हमारे संप्रेषण में है। जब हम बात करते हैं इसके बारे में तभी इसका अस्तित्व होता है, यानी कि कम्युनिकेशन में ही इसका अस्तित्व होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब मोक्ष, जैसे वैदिक धर्म कहता था कि मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आप जीवन को त्याग देंगे, यानी जब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते थे नहीं, जीवन में ही मोक्ष संभव है, बस आपको 10 सील मानना है और आपको अष्टांगिक मार्ग पे चलना है तो आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आप बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियों को समझिए। देखिए, चार बौद्ध संगीति हुआ है और इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते रहे हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। जैसे पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ,
483 ईसा पूर्व में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष थे, उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में, शावक मीर अध्यक्ष थे और उस समय राजा कौन था, कालाशोक काकवर्ण। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईसा पूर्व में, मोगली पुत्तिस था, अशोक उसके समय था। चौथा आपको जानते हैं कुंडलवन में हुआ, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, कनिष्क उसके राजा थे उस समय के। तो इसको कैसे याद करें, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप यहाँ एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, रावय पाकु अका अक। इसको याद कर लीजिए, रावय पाकु अकाक, रा माने हो जाएगा राजगृह, वय माने वैशाली, पा माने हो जाएगा पाटलिपुत्र, कु माने कुंडलवन, और राजा का अ माने अजात शत्रु हो जाएगा, का माने कालाशोक, अ माने अशोक, और क माने कनिष्क हो जाएगा। तो रावय पाकु अकाक कर लेंगे तो आपको स्थान और उस समय के शासन शासक के बारे में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ उसी समय विनय पीटक और सुत्त पीटक लिखा गया। विनय पीटक किसके द्वारा लिखा गया, उपाली के द्वारा, और सुत्त पीटक किसके द्वारा लिखा गया, आनंद, जो उनके जो चेला थे, उनका जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनके द्वारा। तो विनय पीटक में क्या है, विनय पीटक में नियम है, यानी बौद्ध धर्म के जो नियम है, कैसे कैसे चलना है, उसका पूरा रूल रेगुलेशन है इसमें। और सुत्त पीटक में धार्मिक विचार है, वचन है, जितना गौतम बुद्ध ने जो कहा था तो उसका उनका विचार है सुत्त पीटक के अंदर में संकलन है। एक और होता है, एक और किताब है त्रिपीटक में, एक विनय पीटक हो गया, सुत्त पीटक है, एक अभिधम्म पीटक है। इसका संकलन जो है तीसरा बौद्ध संगीति में हुआ, जिसके राइटर है मोगली पुत्तिष्य, है ना, और इसमें बौद्ध दर्शन है, इसमें फिलॉसफी है बुद्धों के बारे में। तो आप तीनों पीटक को याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में सबसे पुराना यही किताब है, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। साथ ही साथ दूसरा बौद्ध संगीति जब होता है तो बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक को कहते हैं अस्थाविर और दूसरे को कहते हैं महासंगिक। अस्थाविर का मतलब वो है जो बुद्ध की शिक्षाओं को मूल रूप से मान के चलता है, यानी कि बुद्ध के शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करता है, उसको अस्थाविर बोलते हैं, और जो बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़ा बहुत बदलाव करके स्वीकार करता है उसको महासंगिक कहते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है उसमें अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ, लेकिन चौथा बौद्ध संगीति में फिर से बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, एक को हीनयान कहेंगे, एक को महायान कहेंगे। हीनयान वही अस्थाविर को कहेंगे, अस्थाविर ही चल के हीनयान बनेगा और महासंगिक ही चल के बाद में महायान बन जाएगा। इन दोनों में अंतर यही है कि हीनयान बुद्ध के शिक्षाओं को मूल रूप में स्वीकार करता है और महायान उनमें परिवर्तन कर देता है। महायान जो है वो काफ़ी परिवर्तन करके स्वीकार, महायान के भी कई संरक्षक राजा होते हैं, जैसे आप देखेंगे महायान में आप देखेंगे कनिष्क महायान का एक समर्थक होता है, उसी तरह से हर्षवर्धन को देखेंगे वो महायान के समर्थक राजा है, लेकिन अशोक जो है वो हीनयान के समर्थक राजा है, मतलब अस्थाविर को समर्थित राजा है वो, क्योंकि हीनयान महायान शब्द तो चौथा बौद्ध संगीति में आएगा, तो वो अस्थाविर है, अशोक उसके समर्थक राजा है। तो इस तरह से आप इनको समझे होंगे। अब आप इसमें कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए, अब बुद्ध धर्म के कुछ पुस्तकों को भी समझिए। देखिए अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, बुद्धों का एक पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। उसी तरह से मिलिंद पन्नो नाम का एक पुस्तक है जिसमें नागसेन जो है वो बौद्ध भिक्षु होते हैं और एक मिनांडर होते हैं जो यूनानी शासक होते हैं, उनके बीच में वार्तालाप होती है और मिनांडर प्रश्न पूछता है नागसेन से, नागसेन उनका उत्तर देते हैं और उसे एक पुस्तक में संकलित कर लिया गया है, उसको नाम दे दिया गया मिलिंद पान्हो, यानी मिलिंद के प्रश्न। वह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। बाद में मिनांडर जो है वह नागसेन के कारण बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो मिलिंद पान्हो एक पुस्तक है। साथ ही साथ जातक क्या है, जातक एक प्रकार की उसमें कहानी है, काल्पनिक कहानी है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बात किया जाता है। हालांकि जातक जो है मूल जो शिक्षा है बुद्ध के उससे थोड़ा अलग है, तो इसमें पूर्व जन्म माना गया है और बुद्ध को ईश्वर की तरह अवतार लेने वाले उसमें बताया गया है जातक कथाओं में। साथ ही साथ देखिए महायान क्या होता है, महायान हमने आपको बताया हीनयान महायान थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है बुद्ध के शिक्षाओं में और बुद्ध की पहली मूर्ति बनाता है, यानी कि जो ईश्वर के विरोधी है उन्हीं को ईश्वर के रूप में मूर्ति बनाकर पूजना शुरू किया जाता है, उनका पहला मूर्ति बनता है, यानी विश्व में सबसे पहली मूर्ति
बुद्ध की ही बनी है। और कहा जाता है कि महायान शाखा ही है जो स्वर्ग नरक की कल्पना करने लगता है, यानी स्वर्ग नरक की कल्पना बुद्ध ने नहीं की थी लेकिन ये करने लगता है। बोधिसत्व की बात करता है, बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो जो बुद्धत्व प्राप्त करेगा, यानी कि जो गौतम बुद्ध है वह कई रूपों में आ सकता है। कोई आने वाला वक्त में भी एक मैत्रेय नाम का कोई बुद्ध जो है वह इस पृथ्वी पर अवतरित होगा, अभी होना बाकी है। तो ऐसा महायान शाखा के अनुसार ये कहा जाता है। साथ ही साथ माध्यमिक एक सूत्र, एक सिद्धांत दिया गया नागार्जुन के द्वारा जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। कहा जाता है कि भारत में पहला व्यक्ति है आइंस्टीन से भी पहले जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। बुद्ध धर्म का सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, जिसको माध्यमिक या शून्यवाद भी कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र नाम का एक पुस्तक भी लिखा था नागार्जुन ने, उसी में इसकी चर्चा की थी। साथ ही साथ विज्ञानवाद, विज्ञानवाद से ही योगाचार भी पैदा हुआ। तो ऐसे है विपस्सना एक नई विधि जो है योग का, ध्यान का एक अलग ही। विपस्सना करने से बहुत सारे लाभ है। विपस्सना जो है गौतम बुद्ध के द्वारा ईजाद किया गया एक बहुत ही बेहतरीन ध्यान का एक प्रकार है, जिसको करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं, युवाल नोआ हरारी टाइप के ऐसे ऐसे राइटर्स ने विपस्सना करके बेहतरीन पुस्तकें की रचना की है। वो बोलता है कि अगर हमने विपस्सना नहीं किया होता तो शायद ऐसी पुस्तक हम लिख ही नहीं पाते। तो विपस्सना भी एक ध्यान का एक विशेष किस्म है जिसका ईजाद महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाया गया, बुद्ध की ही थी, और सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनाया गया जो भगवान बुद्ध की ही है। साथ ही साथ वज्रयान एक अलग ही एक ब्रांच है। वज्रयान यानी कि जो तांत्रिक विद्या, जादू टोना वगैरह के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में उसके उसमें है वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म का तांत्रिक शाखा है, तांत्रिक वाला ब्रांच है। तो इसको आप समझ गए हैं। अब आप ये समझिए कि बौद्ध धर्म जो है वह उसका देन क्या है भारत में। देखिए बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ दिया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा के पाठ पढ़ाया, लोगों को आपस में लड़ने से मना किया, ह्यूमनिटी का पाठ पढ़ाया, देख रहे हैं सापेक्षता का सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति है ये। साथ ही साथ आप देखेंगे कि विपस्सना का एक ध्यान का एक अलग ही ईजाद है वो। साथ ही साथ बहुत सारा शिक्षा उन्होंने उनके द्वारा दिया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध को कभी क्रोध नहीं आता था। कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी आदमी उनको गाली दे रहा था, बहुत ज़्यादा गाली दिया, उन्होंने उसको सुन लिया और अंत में उससे कहा कि अच्छा बताओ कि अगर कोई दान देना चाहे और लेने वाला उस दान को ले ही नहीं तो उस दान का क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा वह दान तो उसी के पास रह जाएगा। तो कहा बुद्ध ने कहा कि तुमने जो जितना गाली दिया है वो तो मैंने लिया ही नहीं, वो सब तुम्हारे पास ही रह गया, वो सब तुम्हारे तुम ही को मुबारक हो। तो देखिए कि कैसे व्यक्ति थे, उनको कभी क्रोध नहीं आता था और अपनी बातों को किस तरह से और बहुत ही सिंपल भाषा में लोगों को समझा देते थे, बहुत ही व्यवहारिक थे वो, इसीलिए लोग उनके पीछे दीवाना बन गए थे। उन्होंने छुआछूत को दूर करने की बात की, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के दूर करने की बात की, एक तरह से ह्यूमनिटी के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। मानववाद के पुरोधा है वो व्यक्ति। तो इस तरह से उनका देन भारत में बहुत कुछ है, उनका चर्चा करना असंभव है। अभी वो सारे देनों की चर्चा करना संभव नहीं है। अब आप ये समझिए कि बौद्ध धर्म इतना फेमस क्यों हो गया, उसके पीछे का कारण ये था उनका व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ही बेहतरीन था जिसके कारण लोग उनके पर्सनालिटी से आकर्षित हो जाते थे, उनकी बातों से आकर्षित हो जाते थे और बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे थे। साथ ही साथ उस समय जितनी भी समस्या थी उसको सोल्व करने की कोशिश गौतम बुद्ध के द्वारा ही किया जा रहा था, इसीलिए भी यह धर्म बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। बहुत ही सिंपल धर्म था, भेदभाव नहीं कर रहा है, स्त्रियों को भी बराबर मान रहा है, शूद्रों को भी बराबर का अधिकार दे रहा है, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट मिला इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, काकवर्ण, अशोक। अशोक ने तो कितना स्तूप बनाया, अशोक का तो सबसे ज़्यादा योगदान है बौद्ध धर्म को फैलाने में, उसने तो वर्ल्ड वाइड कर दिया था बौद्ध धर्म को। उस समय तो ऐसा लगा कि जैसे ब्राह्मण धर्म खत्म ही ना हो जाए। उसके बाद कनिष्क भी है, उसके बाद आप देखेंगे हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए काम करेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत ही माध्यमिक मार्ग, मतलब एक ऐसा मार्ग बताता है बौद्ध धर्म जिस पे चलना आसान है, बहुत कठोर नहीं है, जैनों की तरह कठोर नहीं है। जैनी बनना ज़्यादा कठोर है, बौद्धिस्ट बनना कम कठोर है, ये मध्यम मार्ग अपनाते हैं। क्योंकि जब जब यह अपना
ज्ञान की प्राप्ति जब उनको हुआ था तो कहा जाता है कि उन्होंने सुजाता नाम की लड़की से खीर खा लिया था, तो उस समय बहुत लोग नाराज हो गए थे इनसे, जो उनका चेला सब था, उनको लगा कि शायद बुद्ध जी भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन उसको पता नहीं था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। बाद में वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और फिर से वो पाँचों के पाँचों बुद्ध के चेला बन जाते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इतना बढ़िया धर्म था तो भारत से ख़त्म कैसे हो गया। देखिए, भारत से ख़त्म होने के पीछे बहुत सारा कारण था। बुद्ध धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां आने लग गई थी। कहा जाता है स्त्रियों के प्रवेश होने से भी उनमें बुराइयां आ गई। बहुत सारे राजा लोग हैं जो इनको आश्रय नहीं दे रहे थे। ब्राह्मणों ने काफ़ी षड्यंत्र किया। साथ ही साथ कहा जाता है कि वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए इनको नीचा दिखाया गया। साथ ही साथ दो तीन व्यक्ति ऐसे हुए जो बौद्ध धर्म को नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। जैसे पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे बौद्धिस्टों को उसने मारा भी था, बहुत सारे स्तूप उस्तूप को तोड़ दिया था इधर उधर, तो उसके बारे में कहा जाता है। साथ ही साथ एक राजा है, उसका नाम है शशांक। शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, उसने भिक्षुओं को भी सताया था, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी बौद्ध धर्म को ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी तरह से आपको पता होगा बख्तियार खिलजी, जिसने विश्वविद्यालय को ही जला डाला। वो बौद्धिस्टों की जो पूरी सांस्कृतिक पूरा धरोहर था उसी को उसने जला डाला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रांतकारियों ने ख़त्म कर डाला। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी हमारे देश से ख़त्म होने लगी। हमारे देश से तो लगभग गायब ही हो गई थी, लेकिन वह चीन में, जापान में, कोरिया में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओस में, इस जगह पे अभी भी चल रहा है, श्रीलंका वगैरह में। तो बौद्ध धर्म बहुत ही बेहतरीन धर्म रहा और भारत में बदलाव लाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।